आज हम ट्रिग्नोमेट्री पेपर 3 की वो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पेपर 3, दिस इज लेसन नंबर 1। वी आर वेल फैमिलियर विद द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये हमने एएस में ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हुए हैं। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप एएस में पढ़ के आए हो, साइन थीटा, कोसाइन थीटा एंड टेन थीटा। साइन थीटा, कोसाइन थीटा और टेन थीटा, ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप पढ़ के आए हो। दीज आर 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आज हम इनके रेसिप्रोकल्स पढ़ेंगे, रेसिप्रोकल्स ऑफ साइन, कोस एंड टेन। रेसिप्रोकल्स ये देखिए, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसाइन थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसीकन थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसीकन, COSEC लिखते हैं कोसीकन, फुल वर्ड कोसीकन होता है कोसीकन थीटा। और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सीकंट थीटा, SEC लिखते हैं। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोटेंजेंट थीटा, तो उसको कॉट थीटा लिखते हैं। तो इसको रेसिप्रोकल मीन वन ओवर दैट फंक्शन, जिस तरह ये कोसीकेंट थीटा है, दिस इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो हम इसको लिखेंगे कोसीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। इसी तरह सीकेंट थीटा को लिखेंगे हम, सीकेंट थीटा को 1 ओवर कॉस थीटा, और कोट थीटा को लिखेंगे हम 1 ओवर टेन थीटा। तो इसको 1 ओवर टेन थीटा, टेन थीटा ऑलरेडी आपको पता है कि साइन ओवर कॉस होता है, तो 1 ओवर टेन थीटा, इसको कोट थीटा को हम यूं भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। एंड बिकॉज टेन थीटा जो होता है वो साइन ओवर कॉस होता है, तो वो कॉस ऊपर चले जाएगा, तो सो कॉट थीटा 1 ओवर टेन थीटा भी होता है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा भी होता है। ये हैं इनके रेसिप्रोकल्स, साइन कॉस टेन के कोसेकेंट, सीकेंट और कॉट रिस्पेक्टिवली। तो अब ये देखें, थोड़ी सी कन्फ्यूजन बच्चे को होती है, वो 1 ओवर साइन को आपने, ये देखें 1 ओवर साइन जो होता है ये, इसको आपने ये नहीं समझना है कि ये साइन इनवर्स थीटा है, साइन इनवर्स थीटा के इक्वल ये नहीं होता। इसी तरह 1 ओवर कॉस थीटा जो है उसको आपने ये नहीं लिखना, कॉस इनवर्स थीटा,
रेसिप्रोकल और होता है, वो वन ओवर दैट होता है। तो इन द सेम वे आपने वन ओवर टेन को, वन ओवर टेन थीटा को भी नहीं लिखना कि वो टेन इनवर्स थीटा है। तो आपने उन रेसिप्रोकल्स को समझना है जो ऊपर मैंने लिख दिया है। तो ये आमतौर पे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है। तो इसके बाद हम चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ की तरफ। तो एएस में आपने आइडेंटिटीज़ जो पढ़ी हैं वो दो थी, वो एक थी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा जो है वो टेन थीटा होता है। दूसरी आइडेंटिटी आपने पढ़ी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ये दो आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं। आज हम कुछ और आइडेंटिटीज़ भी पढ़ते हैं, देखते हैं वो उनमें ये आइडेंटिटीज़ जो हैं ये यूज़ हो रही हैं। तो ये देखें, ये आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। तो आज हम देखते हैं कि दूसरी आइडेंटिटीज़ क्या हैं और कैसे आती हैं। ये देखें, मैं अभी आपके सामने ये आइडेंटिटी जो आपने पहले पढ़ी हुई है ये लिख रहा हूँ। अगर मैं इस आइडेंटिटी को कॉस के थीटा पे डिवाइड कर दूँ ऑन ईच साइड लाइक दिस, कि इसको साइंस केयर को भी कॉस केयर थीटा पे डिवाइड कर दें, कॉस केयर को भी कॉस केयर पे डिवाइड कर दें, वन को भी कॉस केयर पे डिवाइड कर दें। ये देखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने दोनों साइड पे वही एक ही ऑपरेशन किया है। तो अब ये देखें, साइंस केयर और कॉस केयर जो है ये बन जाएगा आपके पास टेन स्केयर, और कॉस केयर से कॉस केयर कैंसिल हो जाएगा, ये देखें वन आ जाएगा। तो वन ओवर कॉस केयर जो होता है, ऊपर मैंने बता दिया रेसिप्रोकल है, वन ओवर कॉस केयर बन जाएगा सीकंड स्केयर थीटा। तो ये एक और आइडेंटिटी बन गई है। अब देखते हैं, इसी तरह हम उस बेसिक आइडेंटिटी को, ए एस वाली आइडेंटिटी को साइंस स्क्वायर पे भी इस दोनों साइड पे डिवाइड कर सकते हैं। फिर क्या बनता है, ये साइंस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है। अगर मैं दोनों साइड्स पे साइंस स्क्वायर पे डिवाइड कर देता हूँ, साइंस स्क्वायर पे दोनों तरफ डिवाइड कर दें, तो साइंस स्क्वायर थीटा, इसको भी साइंस स्क्वायर थीटा पे डिवाइड कर दें, वन को भी साइंस स्क्वायर थीटा पे डिवाइड कर दें, तो ये देखें साइंस स्क्वायर और साइंस स्क्वायर ये कैंसिल हो जाता है, वन आ जाता है। तो कॉस स्क्वायर और साइंस स्क्वायर ऊपर मैंने आपको बता दिया है, ये कॉट स्क्वायर आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। वन ओवर साइंस स्क्वायर जो होता है वो कोसेकेंट स्क्वायर होता है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये एक और आइडेंटिटी आपके पास आ गई है। ये ट्रिग्नोमेट्री में एक और आइडेंटिटी आपके पास आ गई है। तो
अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इनको आपने याद रखना है ज़बानी इसको और इस आइडेंटिटी को। ये दोनों आइडेंटिटीज़ जो हैं और एएस वाली आइडेंटिटी जो है वो भी, ये तीनों आइडेंटिटीज़ अदर आइडेंटिटीज़ को शो करने में या प्रूव करने में आपकी हेल्प करेंगी, किसी क्वेश्चन में, किसी इक्वेशन को सॉल्व करने में भी हेल्प कर सकती हैं। आइडेंटिटीज़ को, अदर आइडेंटिटीज़ को भी प्रूव करने के लिए ये यूज़ होंगी। दीज आर बेसिक आइडेंटिटीज़ या बेसिक फार्मूला। इसके बाद हमने इस चैप्टर में क्या सीखना है कुछ और, मैं फार्मूलाई आपको बताता हूँ। फर्दर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ तो ये आपने कर ली हैं। इसके बाद हम कुछ फार्मूला पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट फार्मूला, एडिशन फार्मूला कह लें इनको, इनमें ये कुछ फार्मूले में लिखता हूँ वो आपने ज़बानी याद रखे हैं। नंबर वन, पहला फार्मूला है साइन, अगर आपके पास ऐसे आ जाए साइन ए प्लस बी, इनको कंपाउंड एंगल फार्मूला भी कहते हैं, तो इसकी एक्सपेंशन होगी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये एक फार्मूला बन गया है। दूसरा फार्मूला जो है वो माइनस वाला होगा, उसको लिखेंगे साइन ए माइनस बी, तो वो क्या होगा, वो सिर्फ साइन चेंज होगा, बाकी सारा कुछ ऐसे ही आएगा। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, देखें ऊपर वाले फार्मूले में प्लस है तो वो प्लस आ गया है, नीचे वाले में माइनस है तो वो माइनस आ गया है। नेक्स्ट फार्मूला वो होगा कॉस ए प्लस बी, उसकी एक्सपेंशन होगी कॉस ए कॉस बी, ये कॉस वाले फार्मूले में प्लस है तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, साइन ए साइन बी, इनको आपने याद रखना है। तो चौथा फार्मूला होगा कॉस ए माइनस बी हो तो फिर क्या लिखते हैं, लिख कॉस ए, इसमें माइनस है इसमें प्लस आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब पांचवा फार्मूला वो टेन का होगा, ये देखें दो साइन के आ गए हैं, दो कॉस के, अब दो टेन के भी आएंगे, टेन ए प्लस बी वो क्या होगा, टेन ए प्लस टेन बी ओवर, ये उनसे डिफरेंट है, इसमें ओवर में भी लिखा जाता है, वन माइनस टेन ए मल्टीप्लाइड बाय टेन बी। तो नेक्स्ट सिक्स्थ फार्मूला वो भी टेन का होगा, माइनस वाला, टेन ए माइनस बी वो होगा टेन ए माइनस टेन बी ओवर वन प्लस टेन ए मल्टीप्लाइड बाय टेन बी।
ये छह फार्मूले हैं जो आपने याद रखने हैं। इन छह फार्मूलों को आपने याद रखना है, ये एक्सपेंशन में यूज़ होंगे। इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ आपको नेक्स्ट। तो जैसे छह फार्मूले एक्सपेंशन में यूज़ होंगे, अब मैं इसकी आपको कोई एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है कि आपने प्रूफ करना है, प्रूफ दैट टू कॉज टू विद इन ब्रैकेट है टू कोस थीटा माइनस पाई बाय थ्री इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस अंडर रूट थ्री साइन थीटा। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपकी, यहाँ पे फार्मूला नंबर ऊपर दिखा रहा हूँ मैं आपको, कॉस वाला सेकंड फार्मूला, फार्मूला नंबर आई मीन फार्मूला नंबर फोर यूज़ होगा यहाँ पे। इस लेफ्ट हैंड साइड को हम देखते हैं, एक्सपेंड करते हैं और राइट बनाते हैं टू, ये जो जिसको मैंने अंडरलाइन किया वो आ जाएगा कॉस यूजिंग फार्मूला नंबर फोर, कॉस थीटा कॉस पाई बाय थ्री प्लस साइन थीटा साइन पाई बाय थ्री। तो अब ये कॉस पाई बाय थ्री और साइन पाई बाय थ्री की हम वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा ऐसे ही आएगा और कॉस पाई बाय थ्री की वैल्यू वन ओवर टू होती है, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे वन ओवर टू प्लस साइन थीटा ऐसा आएगा। साइन पाई बाय थ्री की वैल्यू होती है अंडर रूट थ्री ओवर टू। तो अब ये जो बाहर टू है वही अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा टू इंटू वन ओवर टू कॉस थीटा प्लस टू इंटू अंडर रूट थ्री ओवर टू साइन थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, टू टू से कैंसिल हो जाएगा, ये टू भी कैंसिल हो जाएगा टू से, तो हमारे पास रह जाएगा कॉस थीटा प्लस अंडर रूट थ्री साइन थीटा, ये शो हो गया है, ये हमारा शो हो चुका है। तो ये राइट हैंड साइड बन गई है। तो आपको दिखाना ये था कि ये एक्सपेंशन हुई है, फार्मूला नंबर फोर यूज़ हुआ है, वो एक्सपेंड करना है, तो ये आ गया। तो इसके बाद है इनके बाद आ जाते हैं डबल एंगल फार्मूलाए, डबल एंगल फार्मूलाए तो वो देखते हैं क्या है डबल एंगल फॉर्मूलाए। तो
देखें डबल एंगल फार्मूला कैसे बनते हैं। डबल का मतलब होता है टू टाइम्स, तो हम अबव फार्मूला जो हैं फार्मूला नंबर 1, 3 एंड 5 को यूज़ करके डबल एंगल फार्मूला बनाते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे फार्मूला नंबर 1 ऊपर था साइन का प्लस वाला फार्मूला साइन ए प्लस बी, ये था हमारे पास साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इस फार्मूला में अगर हम ए को बी को रिप्लेस कर दें बाय ए, बी को हम अगर ए से रिप्लेस कर दें बी को बी बाय ए, इसका मतलब है कि बी को भी ए कह दें, तो ये फार्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस ए, तो राइट पे आ जाएगा साइन ए, जिधर बी है उधर जिधर उसको भी ए कर दें साइन ए कॉज ए, राइट साइड इसकी लिख रहा हूँ प्लस कॉज ए साइन ए। तो ये देखें राइट हैंड साइड जो है ये टू टाइम्स हो जाएंगे, दिस प्लस दिस, इसको लिखेंगे हम टू साइन ए कॉज ए, तो लेफ्ट साइड बन गए ए प्लस ए टू ए बन जाएगा, तो साइन टू ए आ जाएगा, ये बन गया हमारे पास फार्मूला डबल एंगल। ये देखें डबल एंगल क्यों का है, यहाँ एंगल डबल आ गया, ये तो राइट पे एंगल सिंगल आ रहे हैं ए, तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया। इसी तरह ऊपर एक्सपेंशन वाले फार्मूला नंबर 3 को देखें, वो फार्मूला नंबर 3 जो है वो है कॉस ए प्लस बी, वो ऊपर आप देख रहे हैं वो है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इसको भी अगर हम रिप्लेस कर दें बी को बाय ए, रिप्लेस बी बाय ए, तो ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे कॉस ए प्लस ए, बी को भी ए लिख दिया है, तो राइट साइड बन जाएगी कॉस ए कॉस ए माइनस साइन ए साइन ए। तो कॉस ए जो है ये लेफ्ट साइड बन जाएगी ए प्लस ए टू ए बन जाएगा, तो कॉस टू ए राइट पे आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए, वो होता है कॉस स्क्वायर ए, इसी तरह वो साइन ए वो बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो ये दूसरा फार्मूला बन गया है डबल एंगल। यहाँ देखें एंगल डबल आ गया है लेफ्ट पे, तो राइट पे वो सिंगल एंगल है, तो इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपके पास एक फार्मूला आ गया है। डबल एंगल फार्मूला। अब ऊपर वाले फार्मूला में नंबर 5 को देखें, वो टैन का है फार्मूला नंबर 5, वो है प्लस वाला टैन ए प्लस बी, वो है आपके पास टैन ए प्लस टैन बी,
ओवर वन माइनस टेन ए टेन बी, इसको भी वैसे ही करेंगे हम कि रिप्लेस कर देंगे बी को बाय ए, रिप्लेस बी बाय ए, बी को भी ए लिख देंगे, तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा टेन ए प्लस ए इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन ए ओवर वन माइनस टेन ए इंटू टेन ए। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड बन गई ए प्लस ए टू ए, तो लेफ्ट हैंड साइड बन गई टेन टू ए, तो राइट पे टेन ए प्लस टेन ए होता है टू टेन ए, टू टेन ए ओवर वन माइनस टेन ए इंटू टेन ए, वो टेन स्केयर ए बन जाएगा। तो ये टेन का डबल एंगल फार्मूला बन गया। ये देखें लेफ्ट पे एंगल टू ए यानी कि डबल आ गया, राइट पे सिंगल ए है। तो इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, ये अपने ज़बानी याद रखने हैं। तो अब देखिए मैं इनको इकट्ठे लिख देता हूँ। अब यहाँ पे लिखता हूँ कि डबल एंगल फार्मूले, फिर दोबारा लिखता हूँ डबल एंगल फार्मूला है। अब मैं इनको इकट्ठे लिखता हूँ। पहला फार्मूला है, अब मैं एक ही एंगल ऊपर मैंने एंगल ए यूज़ किया, अब मैं थीटा यूज़ करता हूँ क्योंकि ये एंगल कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा गैमा भी हो सकता है, ए भी बी भी हो सकता है, और नॉर्मली हम यूज़ करते हैं थीटा। तो मैं पहला फार्मूला डबल एंगल फार्मूला जो है वो है साइन टू थीटा, वो होगा टू साइन थीटा कॉस थीटा। दूसरा डबल एंगल फार्मूला होगा कॉस टू थीटा, वो होगा वो ऊपर आप देख रहे हैं मैं थीटा पहले ए यूज़ किया, मैं थीटा यूज़ कर रहा हूँ, वो है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और तीसरा डबल एंगल फार्मूला है टेन टू थीटा, वो होगा टू टेन थीटा ओवर वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये देखें तीन आपको डबल एंगल फार्मूले लिख के दिखाए हैं। अब देखें फर्स्ट फार्मूला रिमेंस एज सच और थर्ड फार्मूला रिमेंस एज सच। ये जो सेकंड कॉस वाला फार्मूला है इसके दो वर्जन और भी हैं, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ, इस फार्मूला को मैं यूं भी लिख सकता हूँ के कॉस टू थीटा इज इक्वल टू, ये देखिए कॉस स्क्वायर है उसको हम लिख सकते हैं, इस कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो उसके आगे और भी साइन स्क्वायर थीटा है,
तो राइट साइड को हम लिखेंगे माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस टू थीटा के इक्वल है। अब टू साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट पे ले आए, पॉजिटिव हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस टू थीटा को राइट पे ले आए, वन माइनस कॉस टू थीटा, तो टू डिवाइड कर देगा वन माइनस कॉस टू थीटा को, तो ये बन जाएगा कॉस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस टू थीटा ओवर टू। तो ये देखें, ये एक और फॉर्म आ गई है, इसको अदर फॉर्म भी कह सकते हैं उसकी, या अदर वर्जन। उसकी कॉस वाले डबल एंगल की अदर फॉर्म है। तो इसी तरह हम कॉस टू थीटा वाले फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस टू थीटा होता है कॉस स्क्वेयर माइनस साइंस स्क्वेयर, ये उसकी बेसिक फॉर्म है। अब हम साइन स्क्वेयर को कॉस वन माइनस कॉस स्क्वेयर लिख सकते हैं इन द सेम वे, ये कॉस स्क्वेयर वैसे ही आ जाएगा, माइनस इसको ब्रैकेट में लिखेंगे साइन स्क्वेयर को वन माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, तो जब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस वन प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा, दिस बिकम्स टू कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस वन, तो ये हमारे पास कॉस टू थीटा है। तो यहाँ से हम रीअरेंज करके टू कॉस स्क्वेयर थीटा जो है वो आ जाएगा वन प्लस कॉस टू थीटा, और टू से डिवाइड कर दें राइट साइड को, तो दैट बिकम्स कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय टू। ये देखें, कॉस टू थीटा वाले डबल एंगल फार्मूले की एक और फॉर्म हमारे पास आ गई है, अदर वर्जन। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसको आपने ज़बानी याद रखना है। तो ये हैं डबल एंगल फार्मूलाए तीन, और कॉस वाले डबल एंगल फार्मूले के की दो और फॉर्म्स भी हैं। और ये मैं आपको बता दूं, ये अदर फॉर्म्स जो हैं जिनको मैं टिक कर रहा हूँ, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर है इंटीग्रेशन, वहाँ पे ये डायरेक्ट यूज़ होंगे। और इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने में, क्वेश्चन में जब प्रूफ दैट लिखा होता है उस क्वेश्चन, उनमें भी ये डायरेक्ट यूज़ होंगे। सो दीज आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फार्मूलाए। तो ये देखें, ये तीन बेसिक थे। अब मैं इसकी फर्दर एग्जांपल आपको देता हूँ कि डबल एंगल फार्मूला, ये देखें हमारे पास पहला डबल एंगल फार्मूला है, फर्दर जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि तो इन बेसिक्स को यूज़ करके अगर ऐसे आ जाए, पहले इसको लिखते हैं, ये बेसिक फार्मूला है, साइन टू थीटा होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा। अगर हमारे पास यहाँ कॉस टू थीटा की बजाय, ये देखें यहाँ पे लेफ्ट पे टू थीटा है तो राइट पे उनका हाफ आ गया है। अगर हमारे पास आ जाए साइन फोर थीटा, साइन फोर थीटा, तो फोर थीटा के ये टू राइट साइड पे जो टू मल्टीपल है ये तो ऐसा सच रहेगा, लेकिन एंगल हाफ हो जाएगा। लेफ्ट पे देखिए जिस तरह ऊपर है टू थीटा, उसका हाफ थीटा राइट पे आ गए,
इस तरह अगर साइन फोर थीटा है तो फोर थीटा का हाफ टू थीटा, तो वी विल राइट टू साइन टू थीटा कॉस टू थीटा। इसी तरह कॉस वाले फार्मूला में वो होता है कॉस, बेसिक फार्मूला होता है कॉस टू थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देख रहे हैं आप लेफ्ट पे एंगल टू थीटा है तो राइट पे उनका हाफ आ गया है थीटा। तो इसी तरह अगर आपके पास आ जाए कॉस फोर थीटा हो तो उसकी राइट साइड बनेगी कॉस स्क्वायर टू थीटा, क्योंकि फोर थीटा का हाफ टू थीटा होता है, माइनस साइन स्क्वायर टू थीटा। तो इसी तरह हमारे पास तीसरा फार्मूला जो है वो टैन का भी ऐसे ही हो सकता है कि टैन का बेसिक फार्मूला डबल एंगल वो आपने पढ़ा है टैन टू थीटा, टू टैन थीटा ओवर वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तो अगर हमारे पास ये बेसिक है, अगर हमारे पास आ जाता है टैन फोर थीटा, तो ये देखें टू थीटा है तो राइट पे उसका हाफ आ गया थीटा। तो इसी तरह अगर टैन फोर थीटा आ जाए तो वो आ जाएगा हमारे पास टू, ये टू रिमेंस है सच रहेगा जो मल्टीपल है टू टैन टू थीटा ओवर वन माइनस टैन स्क्वायर टू थीटा।